इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सनातन धर्म में एक दोष है, क्या? हम सब लोग ये मानते हैं कि ये कथा कीर्तन भजन पूजन सेवा दान पुण्य ये सब बुढ़ापे का काम है। बचपन और जवानी में आदत नहीं बनी तो बुढ़ापे में भी आदत नहीं बनेगी। लगाने से नहीं लगती, ये बनाने से बनती है। बचपन में आदत लग गई तब जवानी में रहेगी, जवानी में लग गई तभी बुढ़ापे में रहेगी। आदत लगनी चाहिए, आदत बननी चाहिए, नहीं तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। आया जब बूढ़े तन के आए।
महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ। माँ के अंक से संस्कार बढ़े, थोड़े सौभाग्यशाली नहीं है हम लोग? काशी प्रयाग और अयोध्या नैमिषारण्य की गोद में हमारा जन्म हुआ है, थोड़े भाग्यशाली नहीं है, बहुत है भाग्यशाली। कहीं समंदर है, कहीं व्यापार है, कहीं ऊंचा नीचा व्यवहार है, लेकिन ये जो उत्तर और मध्य प्रदेश है ना, अरे साहब, इस प्रदेश में तो भगवत भजन भगवत कृपा की भरमार है, कोई तोल नहीं है। अधिकतम 5 कथाएं मैं अपने इस मध्य भारत में करता हूं। अयोध्या जी किया, अभी देखिए आपके साथ बैठा हूं, 6 को विश्राम है, 8 से झांसी है, 8 से 16 अप्रैल झांसी, 15 से 23 मई लखनऊ, फिर 3 दिन सरजू जयंती अयोध्या जी, फिर जुलाई अगस्त, ये सब उत्तर प्रदेश में कथाएं। बाहर हम कम जा चुका है, हमको आनंद बहुत आता है अपने लोगों के साथ, बहुत आनंद आता है। और तो आपको बता दूं, जाते हैं तो बिना कॉन्ट्रैक्ट हम जाते नहीं, अब मजबूरी है, सुनाना तो पड़वे करेगा, भगवत कथा के लिए आए हैं तो। लेकिन जो रस अपने ये गंगा यमुना सरस्वती सरजू गोमती के आंचल में है, पूरी दुनिया में आपको कहीं प्राप्त है। आप अपने हैं, ऐसा नहीं कि हम आपके बीच में हैं तो हम आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, हम अपनी भी प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए अयोध्या मथुरा माया हरिद्वार, कितनी पुरियां हैं आप अपने पास, कितनी है? अयोध्या मथुरा माया काशी और शेष 3 उधर हैं। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। अपने पास राजा साहब भी, अपने पास तीर्थराज। अब हम यहां जन्म लेकर और रोम है तो हमसे बड़े सौभाग्यशाली कौन है? कल कोई भैया आए तो पूछा कहां से आए हैं, बोले अहमदाबाद। भाई जी बोले यहां कैसे आ गए? यहां गांव है, जब गांव यहां है तो हुआ कहां होता है तो? जानते हैं जो गुजरात की भूमि है ना, भागवत जी में श्लोक है, याद है? सुनाइए। इनका महकवा क्यों कम रहता है? इनको थोड़ा दक्षिणा दिया करिए। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुरुगुरे जीर्णतागता। ओ जीर्णतागता, बुढ़ाई गई, फिर जब वृंदावन में भक्ति देवी आई लेकर बच्चों को, तो हरी भरी भरी। क्यों? ये भक्ति भूमि है जहां हम आप जन्मे, ये कथा भूमि है। एकदा नैमिषारण्य, यही है ऋषयः सनता। बोलो बोलो बोलो।
अभी बोल ही नहीं पा रहे हैं तो क्या करें भाई। ऊपर क्यों आई भागवताचार्य मेरे पुत्र हैं, बैठे हैं। अरे जोर से बोलो यार, एकदा नैमी सारण्ये ऋषयः शौनकादयः। जय बगल में हो गया। चलो, एकदा नैमी सारण्ये, नैमी सारण्य में कौन शौनक आदि ऋषि लोग उपस्थित हुए, कितने 88,000। और सभी पुराणों की कथा भाई कहां भाई, यही उत्तर प्रदेश मां भाई, अपनी भूमि मां भाई, ये कथा भूमि है, ये भक्ति भूमि है, ये भजन भूमि है, तमाशा रहित, आय माय रहित है। भोजन मां दाल चावल रोटी तो अनिवार्य है ये है, अब करे ऊपर साग मिल जाए, चटनी मिल जाए, अचार मिल जाए, पुदीना का चटनी, आंवला का चटनी, आम का चटनी और सतमड़वा चटनी जो उन्हें मिल जाए, लेकिन दाल चावल तक अनिवार्य है भाई। कुतौ खाला दाल चावल न मिले तो पेट नहीं भरत। वही प्रकार ये भक्ति भूमि है, नाटक नहीं, भक्ति भूमि। भक्ति भूमि में जन्म लेकर हम लोगों को अपने सौभाग्य की सराहना करनी चाहिए। परमात्मा ने क्या पुण्य था हमारा कि बगले में अयोध्या जी भेज दिए, प्रयागराज भेज दिए, काशी जी भेज दिए, अथवा यह चारों पांचों तीर्थन के विजय मां भेज दिए। कितने भाग्यशाली हैं कहने में नहीं आता हो। तो सुख जाने मन अनुपाना नहीं सना पहुंचाए, जिहवा नहीं कह सकते। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।